अर्शदीप की आंधी में उड़ा मुंबई इंडियंस। दो बॉल में दो स्टंप तोड़े बीसीसीआई को हो गया लाखों का नुकसान। अर्शदीप के तूफानी गेंदबाजी के आगे नहीं टिक पाए तिलक वर्मा और नेहल बढ़ेरा। पंजाब किंग्स ने शनिवार यानी 22 अप्रैल को मुंबई इंडियंस को 14 रन से मात देकर सीजन में चौथी जीत हासिल की। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम मुंबई इंडियंस केवल 201 रन बना सकी। इस मैच में अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन उनकी दो गेंदें बीसीसीआई को 30 लाख रुपए की पड़ गई। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे। इस मैच में अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर के स्पेल में 20 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इसमें से 2 विकेट उन्होंने आखिरी ओवर में हासिल किए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने तिलक वर्मा को आउट किया। गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जाकर टकराई, स्टंप बीच से ही टूट गया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने नेहल बढ़ेरा को भी उसी अंदाज में आउट किया और एक बार फिर मिडिल स्टंप टूट गया। दो गेंदों पर अर्शदीप ने 2 स्टंप्स का काम तमाम कर दिया। दरअसल अर्शदीप की ये 2 गेंदें बीसीसीआई को काफी महंगी पड़ी हैं। इन 2 स्टंप्स की कीमत 30 लाख रुपए की पड़ी है। एलईडी स्टंप्स और जिंग वेल्स का एक सेट 30 लाख रुपए का होता है। अर्शदीप सिंह ने 2 स्टंप्स तोड़े जिसके कारण बीसीसीआई को लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अर्शदीप सिंह को आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड करने थे और उन्होंने महज 2 रन देकर अपनी टीम को जीत दिलाई। ये जीत बीसीसीआई को काफी महंगी पड़ी है। अर्शदीप के अलावा इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन ने कमाल का खेल दिखाया। उन्होंने 29 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके लगाए। धवन की गैर मौजूदगी में सैम करन ने टीम के लिए अहम भूमिका निभाई। पंजाब इस जीत के साथ अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये थी अर्शदीप से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।